और ड्यूल एग्जॉस्ट मिल जाता है इसमें। मैं थोड़ा सा पुल कर ही दिखा दूँ गाड़ी को, बिल्कुल पोलो लेवल की हैंडलिंग है इसकी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम आए हैं ब्रूम कार्स पे। ये जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है i20 N9, ये सिर्फ 10 मंथ पुरानी गाड़ी है और ये गाड़ी आप अपने घर लेके जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट करना होगा। हाय, माय नेम इज़ विजय एंड एक्चुअली दिस इज़ i20 2021 मॉडल, जस्ट 10 मंथ्स ओल्ड। दिस इज़ अ लिमिटेड एडिशन एंड विद अ ड्यूल टोन विद रेड एंड ब्लू कलर। This is a very limited option color which is not available, readily available in the market. And it's with the sunroof and it's only 11,000 driven currently. And if you can see, it has a sunroof as well. So this is an optional edition in 2021 i20, which is an optional edition with dual tone, red color and blue color. And again, I'm saying this is only 11,000 driven, 10 months old. बाकी कंडीशन आपके सामने इस गाड़ी की बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है, ऐसा लग रहा है शोरूम से जब से अभी बाहर निकली है गाड़ी। कंडीशन आप देख सकते हैं और ये आगे इसकी ब्लैक ग्रिल मिलती है जो पियानो ब्लैक में फिनिश है इसका। और ये नंबर कहाँ का है? शिमला। शिमला का ना। और ये आप देख सकते हैं N9 की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक है इस गाड़ी की और साइड से देख सकते हैं आप ये डायमंड गेट अलॉय व्हील्स वगैरह इसमें और रेड स्ट्रिप यहाँ पे मिल जाती है जो कि N9 वेरिएंट में आती है सर। क्या लुक्स हैं इस गाड़ी की, सही में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। और पीछे भी आप लुक्स हैं गाड़ी की काफ़ी अच्छी और ड्यूल एग्जॉस्ट मिल जाता है इसमें। और पीछे की तरफ ये पियानो ब्लैक में फिनिश्ड स्पॉइलर और ये बूट है गाड़ी की जो कि 311 लीटर्स की है। कंडीशन देख सकते हैं गाड़ी के अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा नीरन की है और काफ़ी स्पोर्टी फील करा दिया गाड़ी में बैठ। मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कोई अच्छी सी गाड़ी में बैठा हूँ, जैसे कोई मिनी सुपर टाइप में। बहुत ही प्रीमियम लगती है अंदर गाड़ी की। और आप देख सकते हैं स्पेस इसमें कितना ज़्यादा है, मेरी हाइट 6 फीट ऑलमोस्ट और आप देख सकते हैं मैं कितने आराम से बैठा हूँ। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। और सर क्या प्राइस बताया आपने इस गाड़ी का? इट्स 8,50,000 सेलिंग प्राइस एंड ओरिजिनली इट्स 12,50,000 ओनली। 12,50,000 नेगोशिएबल है प्राइस? या नेगोशिएबल। ओके, और ये पर मैं इंटीरियर दिखाता हूँ आपको जल्दी से। और यहाँ पे स्क्रीन मिल जाती है एक और रूफ सनरूफ मिल जाती है यहाँ पे। कंडीशन आप देख सकते हैं, मैं सही में बार बार बोल रहा हूँ बहुत अच्छी है कंडीशन। और एक प्लस पॉइंट और है इस गाड़ी का, ये INT वर्जन वाली है जिसमें क्लच नहीं आता, आपको पता ही होगा। आप देख सकते हैं इसमें क्लच नहीं आता, आपको एक बार सीट पीछे करके दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए इस गाड़ी में क्लच ही नहीं है, ये बिना क्लच के चलती है और वैसे मैनुअल ट्रांसमिशन होता है बट इसमें क्लच नहीं होता। और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील लग रही है, आप ले सकते हैं भैया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे शोर है 11,700 कुछ कुछ चली गाड़ी में और ये मीटर पूरा डिजिटल है। और ये जो स्क्रीन है ये 10.25 इंचेस की है टच स्क्रीन और टच रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से बैक करा और टच काफ़ी अच्छा है और मैं भी आपको इसकी म्यूज़िक सिस्टम की क्वालिटी चेक करवाऊंगा कैसी है, कैसी वर्क करती है इस गाड़ी में। मैं अपना फ़ोन कनेक्ट करता हूँ ब्लूटूथ से और आपको बताता हूँ। और इसमें ऑटो डिमिंग तो नहीं मिलती, खुद करना पड़ता है। और यहाँ थोड़े से स्पेस मिल जाती है, आप कुछ भी रख सकते हैं, आप अपना ग्लास रख सकते हैं सन ग्लासेस। और सनरूफ यहाँ से मिलती है, ऐसे खुल जाती है सनरूफ। ये मैंने बटन दबाया सनरूफ ऊपर को गया
नीचे कैसे होते हैं। अरे बंद हो गया दोबारा से। वो यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज स्पेसेस मिल जाती है जहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं अपना, और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। शो करी 7.2 किलोमीटर पर लीटर की, तो हो जाती है यार इतनी, मैंने काफी भगाई थी। आप देख सकते हैं बिना क्लच की गाड़ी चल रही है, और इसमें मतलब पैसा दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि इसमें क्लच नहीं है। और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है गाड़ी की, बस एक्सीलेटर दबाते ही एकदम पुल कर रही है गाड़ी से। ये देखो मैंने एक्सीलेटर दबाया और देखो कैसे पुल कर दिया है, बहुत ही इजी टू ड्राइव है। और आप इसका स्टीयरिंग देख सकते हैं काफी अच्छी हैंडलिंग है इसकी, ये देखिए हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है मैं थोड़ा सा पुल कर ही दिखा दूं गाड़ी को। इंजन वॉइस इज आल्सो स्पोर्टी। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन आता है ना, और ड्यूअल एग्जॉस्ट आता है इसमें, तो इसकी आवाज बहुत अच्छी है गाड़ी की। बिल्कुल पोलो लेवल की हैंडलिंग है इसकी। और बाकी मुझे सीट कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका, मतलब अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको चलाते वक्त ना बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी इसकी, एकदम परफेक्ट है। मेरे को क्लच दबाने की आदत पड़ी है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे रिव्यूज़ और लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप भी कार्स पे अच्छी अच्छी डील्स ग्रैब करना चाहते हैं तो रूम कार्स को कॉन्टैक्ट ज़रूर करना, इनके पास ईगॉन से लेके ऑडी तक हर तरह की गाड़ी है, तो कॉन्टैक्ट ज़रूर करना इनको। और बाकी इनका एड्रेस और फ़ोन नंबर्स वगैरह और भी सारी डिटेल्स वगैरह मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी ज़रूर चेक करना। Thank you so much guys, thanks for watching.